हेलो फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी और आज आपके लिए एक ख़ास तरह की डिश लाई हूँ जो दूध से बनती है। ये डिश एक ख़ास तरह के दूध से बनाई जाती है। जब गाय या भैंस का बच्चा होता है उसके बाद निकलने वाले दूध का उपयोग करके ये बनाई जाती है। 2 से 3 दिन तक जो दूध निकलता है उससे ये डिश बनाई जाती है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होती है। आगे वीडियो में मैं इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताऊंगी किस तरह से ये लाभदायक है। आइए रेसिपी देख लेते हैं। मैंने ये 1/2 लीटर तेली ले ली है, इसमें डाल दिया 1/2 कप दूध और डाल दिए खांड। देसी खांड मैं ले रही हूँ, आप चाहे तो पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। ये मैंने 4 चम्मच देसी खांड डाल ली है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है घुलने तक। ये जल्दी से घुल गई, आप चीनी डालेंगे थोड़ा सा समय लगेगा उसे घुलने में, आप पीस कर भी चीनी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम इलायची के दाने, ये कुटी हुई इलायची मैं ले रही हूँ। साथ में डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सौंट का पाउडर। इसमें ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, इसे आप ज़्यादा मात्रा में भी डाल देंगे तो टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर ये होता है। ये लीजिए, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे आप स्किप बिल्कुल मत करें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं आज 2 तरह से आपको बनाना बताऊँगी। पहले तो मैंने ये इडली का सांचा गर्म होने के लिए रख दिया है स्टीम बनने के लिए। उसके बाद हमें जिस भी बर्तन में इसे स्टीम करना है, मैं ये केक के मोल्ड ले रही हूँ 2 तरह के, आप चाहे तो कोई भी बर्तन इसमें ले सकते हैं। इनमें हम ये तेली को डाल देंगे। इस तेली को पहले मैंने छान लिया था, कपड़े की सहायता से छाना था जिससे इसकी जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। ये लीजिए, ये मैंने दोनों बर्तनों में इसे भर दिया है और फिर हम इसे स्टीम वाले बर्तन में रख देंगे। सबसे पहले मैं ये छोटा बर्तन लूँगी और इसे प्लेस करूँगी, उसके ऊपर से मैं ये दूसरा वाला बड़ा बर्तन उठाकर इसके ऊपर रख दूँगी और ढक्कन लगाकर हमें इसे 20 से 25 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पर स्टीम करना है। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कितनी बढ़िया स्टीम होके जम गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। चलिए दूसरी तरह से बनाकर देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर से ज़्यादा तेली ले ली है, इसे मैं गैस पर रख दूँगी और सिम पर गैस कर दूँगी। उसके साथ मिला दूँगी ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, साथ ही मिला दूँगी मैं इसमें सौंठ का पाउडर, इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सौंठ का पाउडर। उसके साथ ही आ जाएगी कुटी हुई इलायची, आप अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जितना भी आप मीठा पसंद करें, मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ और ऊपर से थोड़ी खांड भी डालूँगी जिससे मिठास बनी रहे उसकी। ये 2 चम्मच मैं खांड भी डाल रही हूँ और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ नारियल और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल छेने की तरह लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये बनाई जाती है, मैंने बचपन में बहुत खाई है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे के लिए पोषण से भरपूर होता है, ठीक उसी तरह से गाय या भैंस के पहले दूध में भी कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकता है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये सच में बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसे इंग्लिश में कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को कॉमन फ्लू और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। वहीं स्वास्थ्य के लिए इसके कई लाभ हैं।
ये दिखने में हल्का सा येलोइश कलर का होता है। देखिए बातें करते करते ये गाढ़ापन आ गया है, लग रहा है ना बिल्कुल छेना, और गुड़ का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। ये थोड़ी देर हम 20 से 25 मिनट इसे धीमी आंच पर पकाएंगे तो ये बनकर रेडी हो जाएगा। ये हमारा गुड़ वाला बन के रेडी हो गया। ये दोनों तरह से ज़रूर आपको कभी मौका मिले तेली का तो ज़रूर दोनों तरह से बनाकर देखिएगा। दोनों ही तरह से बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है। टाटा बाय बाय।